जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे खांडवी, जो एक गुजराती डिश है और लो कैलोरी डिश है और बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। खांडवी बनाने के लिए चाहिए हमको 100 ग्राम बेसन यानी एक कप बेसन, 100 ग्राम दही यानी एक कटोरी दही, 200 ml पानी यानी 2 कप पानी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग। बघार लगाने के लिए चाहिए हमको 2 टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून तिल्ली। डेकोरेशन के लिए चाहिए हमको बारीक कटा हुआ हरा धनिया और खोपरा बूरा। खांडवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में लेंगे हम बेसन, दही एक कप। बेसन और दही को मिक्स करेंगे हम। दो कप पानी डालेंगे हम। पानी हम धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो बेसन में लम्स आ जाएंगे। अच्छे से मिक्स करिए। अब हम दूसरी कटोरी पानी डाल रहे हैं। हमने कम पानी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया। धीरे धीरे हमने दो कटोरी पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग। आज हम इसको गैस पे बनाएंगे। आप इसको माइक्रो में भी बना सकते हैं। अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको गैस पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बेसन को गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। यदि आप माइक्रो में बनाएं तो 5 से 6 मिनट में हो जाता है। 2 मिनट माइक्रो हाई टेम्परेचर करें, फिर हिलाएं, फिर वापस 2 मिनट करें, फिर हिलाएं, फिर 1-1 मिनट दो बार करें और गाढ़ा होने तक आप माइक्रो में भी कर सकते हैं। माइक्रो में थोड़ा जल्दी बन जाता है। गैस पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक करेंगे। खांडवी का मिक्सचर हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको थाली पे या प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा लगा के देखें। तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठंडा होने पे ये जगह छोड़ दे और निकल जाए तो हमारा बैटर तैयार है। तो ये हमारा निकल रहा है। जब तक ये गर्म है तब तक ये स्प्रेड हो पाएगा। ठंडा होने पे ये स्प्रेड नहीं होता है। तो गरम गरम आप इसको प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हैं और थाली में भी लगा सकते हैं। ये अच्छे से हमने फैला लिया है। अब हम पीछे की तरफ भी इसको फैला लेंगे। ये खांडवी का हमारा ठंडा हो गया है। 5 से 10 मिनट हमने इसको ठंडा किया है। अब हम इसमें चक्कू से लाइन करेंगे और इसके रोल करेंगे।
हमने सारी खांडवी के रोल कर लिए हैं और हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसका बघार करेंगे। बघार करने के लिए लेंगे हम 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे राई, 1/2 टीस्पून राई थोड़ी हो जाए जब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तिल्ली। तेल में हमने राई और तिल्ली डाली, हमारा बघार हो चुका है। अब हम इसको खांडवी के ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो खांडवी के रोल के अंदर पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, किसा हुआ ऊपर से भी डाल सकते हैं, सिकी हुई मूंगफली भी पीस के डाल सकते हैं। आज हम डाल रहे हैं खोपरा बूरा और हरा धनिया। यदि आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद है तो हींग की जगह अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी आप बैटर में डाल सकते हैं। ये हमारी खांडवी तैयार है। बहुत टेस्टी लगती है और बिल्कुल लो कैलोरी है। आप कभी भी इसको ले सकते हैं। यदि हमारी आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।